मगर मामी नहीं है घर में। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी मामी घर पे नहीं है, मुझे तुमसे ही बात करनी थी। क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? मामी से मिलने आई हो ना, तो उनसे मिलो। तुम तो वैसे भी शायद निकाह के जोड़े का साइज लेने आई हो ना, बहुत एक्साइटेड है वो। तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? क्योंकि तुम्हारे इस खेल की वजह से नरगिस आंटी ने मेरे और जवाद के रिश्ते से मना कर दिया है। मेरा खेल या तुम्हारा खेल जो तुम जवाद के साथ खेल रही थी? तुम कहना क्या चाहती हो? से कितनी तेज हो ना तुम और नादरा खाला। क्या सोचा था इतनी बड़ी बात किसी को पता नहीं चलेगी? कैसा बेवकूफ बनाया ताई अम्मी और जवाद को तुम लोगों ने। कौन सी बड़ी बात, कहना क्या चाहती हो तुम? अच्छा, कौन सी बड़ी बात? यही कि तुम शादीशुदा हो और एक बेटी है तुम्हारी। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये वही बकवास है जो कुछ देर पहले मैं अपने कानों से सुन के आई और आंखों से देख के आई हूँ। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? मारिया है ना? तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? मुझे परेशानी में डाल के खुद मुझसे पूछ रही है कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। क्या जरूरत थी आपको अरूज को? बस जवाद, अरूज के हवाले से मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। ठीक है अम्मी, जो आपने करना है ना वो आप करें, लेकिन ये याद रखिएगा, दूसरों को दुख पहुंचाना, उन्हें तकलीफ देना, उसके बाद अपनी जिंदगी में खुशी की उम्मीद मत रखिएगा। अगर आज हमारा ना तो कल किसी और का हो। माँ को नसीहतें मत करो, वाकई आज हमारा नहीं है। ये सब कुछ जो है ना, ये बस दिखावा है। सब कुछ तो छीन लिया है तुम्हारे फयाज ने, उसके घर और उसके खानदान ने। अरे मेरी बहन तक को छीन लिया है, और वो फितना जिसे ब्याह कर मैं अपने घर ले आई थी इफ्रा, मैंने सोचा था कि सना की परवरिश करेगी, उसका ख्याल रखेगी, लेकिन नहीं, वो तो हर रोज मुलाजमा के सुपुर्द करके सना को अपने बाप से मिलने चली जाती है। उसे जरा भी परवाह नहीं है सना की। इससे तो अच्छा था कि मैं राशिद की शादी ना करती। जी अम्मी, और यही मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आपने तो मुझसे मेरी मोहब्बत की कुर्बानी लेनी थी। ना आप समझी ना खाला समझी। बस आपको लगता था कि इफ्रा मां बनकर ही सना का ख्याल रख सकेगी। उसे तो आपने उससे दूर कर दिया, ना वो अब राशिद भाई के करीब हुई ना सना की, और अब आप वही गलती कर रही हैं फिर से अरूज के मामले में। मैं सब देख लूंगी, सब संभाल लूंगी, तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। पहले मैं ये नादरा वाला मामला तो हल कर लूं। और मेरी बात सुनो, फयाज और नादरा वाली बात, उनके निकाह वाली बात अपने बाप को बिल्कुल मत बताना। मैं देखती हूँ ना इफ्रा उन्हें बताती है या नहीं, अगर सच्ची होगी ना तो बताएगी। मैंने तुमसे कहा ना खामोश रहो, खामोश।